हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए फिर से एक और धमाकेदार टॉय कलेक्शन का वीडियो लेके आया हूं। गाइस, आप देख सकते हैं आज फिर हमारे सामने यहां पर बहुत यूनिक यूनिक टाइप के बहुत ज्यादा मजेदार टॉयज रखे हैं। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा गिटार रखा है, इलेक्ट्रिक गिटार है। गाइस, मैं आपको इसको यूज करके दिखाऊंगा। यहां पे आप देख सकते हैं कार सेट रखा है, यहां पे ज्योमेट्री बॉक्स है, यहां पे बहुत सारी डिफरेंट टाइप की चीजें रखी है और यहां पे बहुत ही प्यारी रिमोट कंट्रोल कार भी रखी है जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। इतने सारे टॉयज में अगर आपको एक भी टॉय चाहिए तो उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। गाइस, ये देखो हमारे पास यहां पर 20 रुपीज का एक प्यारा सा टॉय है ना। तो जल्दी से मैं इसको ओपन करता हूं और 20 रुपीज में आपको देखने को मिलता है। देखो यहां पर लिखा है कैट्स पाव, यानी कि बिल्ली का पंजा। और गाइज ये देखो, ये छोटा सा बिल्ली का पंजा है, बहुत ही क्यूट सा दिखाई दे रहा है। बट गाइज मैं आपको बता दूं, ये 2-in-1 चीज है। अब ये 2-in-1 चीज क्या है गाइज? ये है शार्पनर और इरेजर का कॉम्बो। ये देखो यहाँ पे इसके अंदर शार्पनर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको ब्लेड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से पेंसिल डाल के आप पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। और जो इसकी ओवरऑल बॉडी है ये इरेजर है, इससे आप कुछ इस तरह से पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं। 20 रुपीज इसका प्राइस है और ये बहुत ही प्यारा कॉम्बो है शार्पनर और इरेजर का। और उसकी पैकिंग भी आप देख सकते हैं, नॉर्मल पैकिंग नहीं गाइस, बहुत ही प्यारी पैकिंग है गाइस। ये देखो है ना, मजा आ गया। इसको मैं साइड में रखता हूँ और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग सा 100 रुपीज का एक चाबी का छल्ला है। ये देखो यहाँ पे लिखा है क्रिसमस, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्रिसमस लिखा हुआ है और यहाँ पे सेंटा क्लॉज बना हुआ है। 100 रुपीज इसका प्राइस है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, डिजाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। ये देखो कुछ इस तरह से आप इसको अपनी पैंट में लटका सकते हैं और यहाँ पर आप चाबी का छल्ला लगा सकते हैं। ओवरऑल आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये दिखाई दे रहा है ना। सो गाइस 100 रुपीज में काफी ज्यादा अच्छी चीजें हैं। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो हमारे पास है यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा बहुत ही बड़ा ज्योमेट्री बॉक्स। इसको ज्योमेट्री बॉक्स भी कह सकते हैं, पेंसिल केस भी कह सकते हैं, है ना। और गाइस ये देखो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, बॉक्स से मैंने इसको बाहर निकाल लिया। इसका प्राइस लगभग 250 से 300 रुपए के आसपास होगा। तो बॉक्स को मैं साइड में रखता हूँ और जो ये चीज है गाइस ये देखो, वाओ कितना औसम है। यहाँ पे लिखा फ्रोजन, जो कि एक बहुत वर्ल्ड फेमस कार्टून है, उसी कार्टून का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। दो गर्ल्स बनी हुई हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे भी फ्रोजन लिखा हुआ है। ओवरऑल आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है और इसके अंदर ना 3 ज्योमेट्री बॉक्स का सामान आराम से आ सकता है। तो मैं इसको पहले ओपन करता हूँ। ये देखो अंदर से आप देखना गाइस ये कितना अमेजिंग है। ये देखो गाइस वाओ, पिंक कलर का है अंदर से और यहाँ पे आप देख सकते हैं चैन लगी हुई है, यहाँ पे आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेन पेंसिल कलर होल्डर लगा हुआ है और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा स्पेस है। ओवरऑल आप इसको अंदर से देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा सामान रखने का स्पेस है। और जो इस तरह का पेंसिल केस होता है ना ज्योमेट्री बॉक्स, इसको आप अलग अलग कार्टून कैरेक्टर वाले डिजाइन में खरीद सकते हैं। ये आपको स्पाइडरमैन, बैटमैन, डोरेमोन, जो भी कार्टून कैरेक्टर आप चाहते हैं उसमें आपको ये मिल जाएगा और प्राइस थोड़ा कम ज्यादा रहता है क्वालिटी और डिजाइन के हिसाब से, है ना। बहुत ही प्यारी चीज है। सो गाइस इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और गाइस ये देखो हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल चीज जो कि है डाई कास्ट मेटल कार का सेट। इसका प्राइस है लगभग 300 रुपए, है ना। और ओवरऑल आप देख सकते हैं कैसा ये दिखाई देता है। यहाँ पे डाई कास्ट सुपर पावर लिखा हुआ और कुछ इस तरह की अलग अलग डिजाइन वाली गाड़ियां हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, है ना। यहाँ भी डाई कास्ट लिखा हुआ है और गाइस देखते हैं 3+ एज वाले बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो कार्स है ना गाइस वो सच में बहुत ही अमेजिंग है और मेटल क्वालिटी की होती है, मतलब लोहे की होती है तो खराब भी नहीं होती है। ये देखो मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर और गाइस ये देखो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। और जितनी भी इसके अंदर कार है 1, 2, 3, 4, 5 पांचों का डिजाइन देखना आप गाइस, बिल्कुल अलग अलग डिजाइन होगा। सबसे पहले गाइस ये देखो आप, मेटल क्वालिटी में है ये जीप। ये देखो फुल मेटल क्वालिटी, ये देखो ये जीप है गाइस, आप देख सकते हैं बिल्कुल रियल जीप जैसी लग रही है, सामने से भी आप देख सकते हैं। और इसको नॉर्मली पुश करके चलाया जाता है बट इसका जो डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। देखो इसके सारे टायर्स घूमते हैं, ओवरऑल जो डिजाइन है वो सच में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है। और यहाँ पे देखो गाइस कुछ इस तरह की गाड़ी है, यहाँ पे फायर लिखा हुआ है ना। ओवरऑल आप इसका डिजाइन देख सकते हैं कितना औसम है, मजा आ गया गाइस, बहुत ही प्यारी सी चीज है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाते हैं फायर रेस्क्यू गाड़ी है, देखो ये है ना, इसके अंदर 6 टायर लगे हुए हैं और यहाँ पे देखो इसके ऊपर सीढ़ियां वगैरह लगी है जो कि आग बुझाने वाली गाड़ी होती है, सेम वैसा इसका पैटर्न है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और लास्ट में गाइस मैं आपको एक और अमेजिंग चीज दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे एक पानी वाली बोट है ना, और उसके नीचे भी 4 टायर लगे हैं और इसका डिजाइन देखो, पानी वाली जो बोट होती है ना बिल्कुल सेम वैसी ही दिखाई दे रही है, कितनी अमेजिंग है, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में सुपर कार भी है गाइस, ये देखो कुछ इस तरह की। तो 5 कार हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, पांचों का डिजाइन बिल्कुल अलग अलग है, मैं आपको पास से दिखाया था गाइस, ये देखो पांचों का डिजाइन बिल्कुल अलग अलग है और प्राइस इसका लगभग 300 रुपए के पास है और ये मेटल कार है। अगर आप इस तरह की कार खरीदना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। और गाइस इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हमारे पास है यहाँ पर, ये देखो बहुत ही प्यारी रिमोट कंट्रोल कार,
इसका डिजाइन आप देख सकते हैं, कलर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसके एलॉय व्हील देखो, वाओ क्या अमेजिंग डिजाइन है गाइज, है ना। और सामने से आप देख सकते हैं बहुत ही महंगी करोड़ों रुपए वाली कार होती है वैसे इसका डिजाइन है। यहाँ पे सनरूफ भी बना हुआ है और पीछे से भी आप देख सकते हैं। और ये है इसका रिमोट कंट्रोल, ये देखो बहुत ही प्यारा इसका रिमोट कंट्रोल है, है ना। इसके अंदर हमें बैटरी डालनी होती है, देखो 2AA बैटरी मैंने इसके अंदर डाल रखी है। तो रिमोट को यहाँ पे रखते हैं और इसका बॉक्स में आपको दिखाते हैं। देखो ये 3D ड्रिफ्ट रिटर्न्स कार, देखो ड्रिफ्ट भी करती है, मतलब ये पिसल के भी चलती है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का पैटर्न इसके ऊपर बना हुआ है ना। और इसके साथ हमें चार्जिंग केबल देखने को मिलता है जो कि आप कार को यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। देखो इसके अंदर आपको कोई बैटरी नहीं डालनी है, यहाँ से आपको चार्जिंग केबल लगाना है, जैसे मोबाइल चार्ज होता है वैसे ही ये भी चार्ज हो जाती है। अगर हम इसको ऑन करेंगे तो गाइज ये देखो इसके अंदर लाइट जलती है जो कि काफी अमेजिंग इफेक्ट बनाती है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये देखो, है ना। अंधेरे में ये कार बहुत ज्यादा सुपर लगेगी क्योंकि जो इसकी लाइट है जब ब्लिंक होगी और ये चलेगी तो गाइस मजा आ जाएगा। और ये इसका रिमोट कंट्रोल, तो चलो गाइस मैं आपको उसको चला के दिखाता हूँ। ये देखो इसके अंदर 2 जॉयस्टिक हैं, ये आगे और पीछे चलाने के लिए है इसको, और ये वाली जो जॉयस्टिक है ये इसको लेफ्ट राइट चलाने के लिए है गाइस। ये देखो, ये देखो, है ना, इससे लेफ्ट राइट चलता है। तो चलो गाइस मैं आपको इसे फर्श पे चला के दिखाता हूँ कि ये कैसा परफॉर्म करती है। सो गाइज हमारी सुपर कार फर्श पे रखने के बाद काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। आप इसका ओवरऑल डिजाइन देख सकते हैं, इसके एलॉय व्हील भी बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। मैंने इसको ऑन कर लिया, इसके अंदर लाइट जलनी शुरू होगी। आप इसको ड्रिफ्ट कराते हैं गाइज, ये देखो कितने प्यारे तरीके ड्रिफ्ट करेगी। उससे पहले आप रिमोट देख सकते हैं और गाइज ये देखो, वाओ, है ना, ये एक ड्रिफ्ट कार है। तो गाइज आप देख सकते हैं कितने अमेजिंग तरीके से ड्रिफ्ट कर रही है, मजा आ गया गाइज, बहुत ही प्यारी है और कितना प्यारा स्टंट कर रही है गाइज। अब इसको आउटडोर में चला के देखते हैं और गाइज ये देखो, सबसे पहले आप इसकी स्पीड देखो, है ना, और जब ये चलती है तो कितनी ज़्यादा सुपर लगती है। और जब ये किसी चीज़ से टकराती है तो गाइज को कोई हार्म नहीं होता है क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली कार है। और आप देख सकते हैं गाइज कितने मजेदार तरीके से चल रही है, ये देखो। और आप इसको लेफ्ट राइट आगे पीछे कैसे भी चला सकते हैं, इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा औसम है। और जब ये चलती है तो येलो कलर में बहुत ही ज़्यादा औसम दिखाई देती है। सो गाइज मुझे तो बहुत मज़ा आया इसे यूज़ करके। सो गाइज आपने देखा कि हमारी आरसी कार कितनी ज्यादा उस समय कितना प्यारा ड्रिफ्ट करती है, और जब ये चलती है तो गाइज मजा ही आ जाता है, है ना। प्राइस इसका लगभग 600-700 रुपए के आसपास होगा और गाइज प्राइस के हिसाब से बहुत ही अमेजिंग चीज है। तो रिमोट को मैं साइड में रख लेता हूँ। और गाइज इसके बाद हमारे पास है ये देखो 10 रुपीज का एक बहुत ही प्यारा सा टॉय जो कि हेलो किटी वाले डिजाइन में आता है। ये एक कार्टून है जिसका नाम होता है हेलो किटी। और गाइज मैं आपको बता दूं 10 रुपीज में हमें ये देखने को मिलता है एक शार्पनर, है ना। इसको जैसे ही मैंने ओपन किया तो इसके अंदर शार्पनर लगा हुआ है और पेंसिल को आप यहां से डाल के पेंसिल शार्प कर सकते हैं। और जो इसका डिजाइन है वो सच में काफी सेटिस्फाइंग है। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक ये देखो कुछ इस तरह का, है ना, आईसी मतलब स्माइली डिजाइन वाला कुछ इस तरह का शार्पनर है। यहां से पेंसिल डालेंगे तो पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। और इसका डिजाइन आप देख सकते हैं कितना ज्यादा औसम है, ये देखो, है ना, मजा आ गया गाइज। अगर आप अलग अलग डिजाइन वाले शार्पनर यूज करना पसंद करते हैं तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर करना। और यहाँ पे हमारे पास एक रॉकेट डिजाइन वाला शार्पनर, ये देखो इसका डिजाइन आप देख सकते हैं रॉकेट जैसा, इसके अंदर शार्पनर लगा हुआ है। यहां से इसको ओपन करेंगे तो शार्पनर बाहर आ जाता है ना। और यहां से बंद करने के बाद इससे हम पेंसिल कैसे शार्प करेंगे, देखो यहां से पेंसिल डालेंगे पीछे से तो कुछ इस तरह से पेंसिल शार्प की जा सकती है। 10 रुपीज इसका भी प्राइस है। और गाइज के बाद मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा इरेजर, ये देखो, है ना, इसका प्राइस आई थिंक 60 या 70 रुपीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैरी क्रिसमस लिखा हुआ है। मैरी क्रिसमस वाला जो डियर होता है ना, जिसके सेंटा क्लॉज जिसको लेके जाते हैं, मतलब जो सेंटा क्लॉज की गाड़ी लेके जाता है वो वाला गाइज ये डियर है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको बाहर निकाल के, उसका डिजाइन देखना गाइज। आपने आज से पहले ऐसी इरेजर कभी भी नहीं देखी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटा क्लॉज का पैटर्न भी बना हुआ है। और गाइज ये देखो, वाओ कितनी औसम लग रही है गाइज। सबसे पहले आप इसका डिजाइन देखो, यहाँ पे इसके सींग लगे हुए हैं, ये देखो, है ना, दो दो यहाँ पे पूरा का पूरा इसकी आईज नोज पेट हाथ वगैरह सब आप देख सकते हैं, है ना, कितना ऑसम डिजाइन है गाइज। आज से पहले आपने व्हाइट कलर की ब्लू कलर की इरेजर देखी होगी, बट गाइज ये इरेजर सच में बहुत ही ज्यादा ऑसम है। और इससे आप पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, किसी भी एंगल से पकड़ के कहीं से भी गाइज। ये पूरा का पूरा इरेजर है ना, ऐसा नहीं है कि इसका कोई पार्ट इरेजर ना हो, पूरा का पूरा पार्ट इरेजर है। आप इससे अलग भी कर सकते हैं, देखो यहाँ से आप इसको ना खोल भी सकते हैं कुछ इस तरह से, ये यहाँ से ओपन होकर अलग हो जाते हैं इसके सारे पार्ट। बट गाइज ये सच में बहुत ज्यादा औसम है, आपको ये 50 से 70 रुपए के बीच में मिल जाएगी, मजा आ गया। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और गाइज ये देखो हमारे पास एक और यहाँ पे डुअल कोम्बो है, यह है शार्पनर और इरेजर का कोम्बो। ये देखो यहां से अगर हम इसको ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो इसके अंदर लगा हुआ है यहाँ पे शार्पनर, 20 रुपीज इसका प्राइस है। यहां से पेंसिल डालेंगे तो कुछ इस तरह से यहां से पेंसिल शार्प कर सकते हैं। और गाइज ये उसका ऊपर का पार्ट है यहाँ पे एक डिजाइन लगा हुआ है, ये इरेजर है, आप इससे कुछ इस तरह से पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं, है ना, कितनी औसम चीज। 20 रुपए इसका प्राइस है। और गाइज के बाद मैं आपको दिखाता हूं हमारा सबसे औसम टॉय जो कि है ये गिटार। ये देखो इसका पहले आप साइज देखो मेरे हाथ में,
है ना, 600 रुपीज इसका प्राइस है। साइज आप देख सकते हैं कितना बड़ा इसका साइज है, क्वालिटी आप देख सकते हैं, है ना। इसके अंदर में गाइज बैटरीज डालनी होती है, देखो 3 AA बैटरी मैंने इसके अंदर डाल रखी है। तो गाइज मैं इसको करता हूं बंद, और गाइज ये देखो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है। पहले हम इसको ऑन करेंगे, इसके अंदर से म्यूजिक सुनते हैं। देखो मैंने इसको ऑन किया, और गाइज यहाँ पे बटन है आप देख सकते हैं, ऑन करते ही लाइट जलनी शुरू हो गई है, देखो ऑफ है, अभी ऑन करते ही लाइट जलनी शुरू हो जाती है, जो कि अंधेरे में सच में काफी ज्यादा कूल लगने वाली है, है ना। अब गाइज मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूं, देखो यहां पे स्पीकर लगा हुआ है, और म्यूजिक आप चेंज भी कर सकते हैं। इन दोनों बटन से आप साउंड सुन सकते हैं, और यहां से इसको ऑन करने के बाद गाइज यहां से आप इसको नॉर्मल गिटार की तरह प्ले भी कर सकते हैं। देखो यहां पे इसकी जो वायर है बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और यहां से म्यूजिक सुन सकते हैं। देखो सो गाइस आपने देखा कि हमारा गिटार म्यूजिक भी प्ले करता है, और यहां से आप नॉर्मल गिटार की तरह इसको बजा भी सकते हैं। अगर आपको गिटार यूज करना आता है तो गाइस कमेंट में बताना, और यहां पे आप देख सकते हैं रॉक बैंड म्यूजिक गिटार यहां पे लिखा हुआ है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, डिजाइन आप देख सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसकी सबसे अमेजिंग बात है जब इसकी बैटरी डाउन हो जाए तो आप नई बैटरी लगा के इसको यूज कर सकते हैं, और 600 से 700 रुपए के आसपास ही आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगा। और हमारे पास है यहाँ पर एक बहुत ही औसम चीज, ये देखो ये गाइज बैंड 10 वाला एक वॉच जिसका प्राइस है 60 रुपीज। ये देखो यहाँ पे इसको अगर हाथ में पहनेंगे तो गाइज कुछ इस तरह का लुक आएगा, है ना। पूरी वॉच के पट्टे पे बैंड 10 का पैटर्न बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, है ना। और यहां से आप दो बटन देख सकते हैं, इन दो बटन से आप टाइम सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, 60 रुपीज के आसपास आपको मिल जाएगी। और ये फिटनेस बैंड जैसा दिखाई दे रहा है गाइस, ये देखो, है ना, फिटनेस बैंड जैसा दिखाई दे रहा है। डिजाइन आप देख सकते हैं, कलर आप देख सकते हैं, बच्चों को ऐसी चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती है। अगर आप बैंड 10 देखना पसंद करते हैं तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना। और गाइस इसके बाद में आपको दिखाता हूं हमारे पास यहाँ पर एक डोरेमोन वाला टॉय, ये देखो इसका प्राइस है 100 रुपीज। और गाइस एक नॉर्मल सी गाड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डोरेमोन का सिर लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी, और ये इसके टायर है, है ना। और जब इसको चलाते हैं तो डोरेमोन की गर्दन हिलती है कुछ इस तरह से, देखो। हमें सिंपली करना है कि इसको फर्श पे रखना है और कुछ इस तरह से धक्का मारना है, और देखो डोरेमोन की गर्दन कैसे हिलती है, है ना। 100 रुपीज में टॉय, और ये बहुत छोटे बच्चों के लिए है। सबसे अमेजिंग बात है इसकी क्वालिटी, इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी है कि छोटे बच्चे जब इसको खेलेंगे पटकेंगे तो गाइस टूटेगी नहीं, है ना। डिजाइन आप देख सकते हैं, डोरेमोन तो लगभग हर किसी का फेवरेट होता है। और गाइस अब मैं आपको दिखाता हूं एक बहुत ही स्पेशल चीज जो कि है गाइस, ये देखो फ्रोजन कार्टून वाला कुछ इस तरह का बहुत ही प्यारा सा एक स्टेशनरी किट। इससे पहले मैंने आपको फ्रोजन वाला ये देखो ज्योमेट्री बॉक्स दिखाया था, इसको हम पेंसिल केस भी कहते हैं, और अब मैं आपको दिखाने वाला स्टेशनरी आइटम, है ना। तो गाइस मैं इसको पहले साइड कर देता हूँ यहाँ से, ये देखो इसको मैंने साइड कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइस ये स्टेशनरी आइटम पूरा का पूरा, ये देखो हमें इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले गाइस ये देखो हमें इसके अंदर मिलता है एक ज्योमेट्री बॉक्स, इसको मैंने खाली कर लिया है, है ना। इसके अंदर हमें देखने मिलता है ज्योमेट्री बॉक्स फ्रोजन वाला, है ना। क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी औसम है, और फुल मेटल क्वालिटी में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 9 तक टेबल लिखा है, ए से जेड तक वो लिखी है, ए बी सी डी, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर से कितना ज्यादा स्पेस है इसके अंदर। और इसके साथ हमें देखने को मिलता है फ्रोजन कार्टून वाला कुछ इस तरह का इरेजर, एक शार्पनर, दो दो पेंसिल, और एक बहुत ही प्यारा सा स्केल। ये देखो स्केल की क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी औसम है, और गाइस स्केल इतना अच्छा है कि इसको आप कितना भी बैंड कर लें टूटेगा नहीं, है ना। एक आइटम के अंदर मतलब एक स्टेशनरी किट के अंदर हमें 3 से 4 चीजें देखने मिलती है। ये देखो ज्योमेट्री बॉक्स में मैंने इसको रख दिया, तो काफी औसम है, मजा आ गया। अगर आप फ्रोजन कार्टून देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसको गाइस मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और इसके बाद गाइस हमारे पास है यहाँ पर एक और ज्योमेट्री बॉक्स, ये देखो, है ना। ये है गाइस एवेंजर्स वाले डिजाइन वाला ज्योमेट्री बॉक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्टन अमेरिका बना हुआ है, कैप्टन अमेरिका का लोगो है, हल्क है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और पीछे भी आप देख सकते हैं। और कहिए मल्टी फंक्शन ज्योमेट्री बॉक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी नेम एंड क्लास लिख सकते हैं आप, और इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो पेन पेंसिल होल्डर लगा हुआ है, और कितना ज्यादा स्पेस है इसके अंदर ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 4 बटन है, 1 2 3 4, अब चारों बटन दबाते हैं, ये देखो एक बटन से डबल शार्पनर ओपन हुआ है, ये देखो यहाँ पे इसके अंदर दो दो शार्पनर लगे हुए हैं, और इस वाले बटन से एक और ट्रे ओपन हुई है, इससे भी ट्रे ओपन होगी, इससे भी ट्रे ओपन होगी, ये देखो 1 2 3 4, 4 बटन मैंने दबाए तो 4 ट्रे ओपन हो गई है, यहां से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, देखो है ना कितना औसम। और ज्योमेट्री बॉक्स का प्राइस आपको 200 से 250 रुपए के बीच में मिलेगा, और आप दूसरी साइड से भी इसको ओपन कर सकते हैं, ये देखो है ना 2 साइड ओपन होने वाला ज्योमेट्री बॉक्स जो कि एवेंजर्स डिजाइन के साथ आता है, और मल्टी फंक्शन है, मजा आ गया। सो गाइस इसको मैं यहां पे रख लेता हूं, और हमारे पास है यहां पर एक प्यारा सा कुछ इस तरह का, ये देखो बे ब्लेड। अब गाइस मैं आपको बे ब्लेड का प्राइस बता दूं, 70 रुपीज में मुझे मिला ही है। और गाइस का सबसे पहले आप डिजाइन देखो, अगर आप बेबलेट चलाना पसंद करते हैं तो गाइस ये आपको 100% पसंद आएगा, ये देखो
है ना, पैरट ग्रीन कलर में, कितना औसम है। ये इसका लॉन्चर, और मैं आपको इसको चला के भी दिखा देता हूँ। वैसे ना गाइस मैं आपको बता दूं, ये बैटल वाला बेबलेट नहीं है, क्योंकि ना आप इससे बैटल नहीं करा सकते। अब बैटल क्यों नहीं करा सकते मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे इसके कॉर्नर नहीं है बिल्कुल भी, जिस बेबलेट के कॉर्नर नहीं होते ना आप उससे बैटल नहीं करा सकते। तो गाइस हमारे पास है यहाँ पर एक प्यारा सा स्टेडियम, कुछ ऐसा सा है ना, मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो गाइस ये देखो, इसको मैं रेडी कर लेता हूँ, ये मैंने इसको कर लिया रेडी। अब गाइस 3 2 1 गो। और गाइस ये देखो बेबलेट कितने औसम तरीके से चल रहा है ना। तो इसका लॉन्चर मैं साथ में डालता हूँ, देखना जब फाइट होगी तो। ये देखो ये बैटल वाला बेबलेट नहीं है, तो ये फाइट नहीं कर सकते इसके साथ बिल्कुल भी, है ना। तो काफी औसम चीज है गाइस, अगर आपको बेबलेट चलाना पसंद है तो ये चीज आपको 100% पसंद आई होगी, है ना। सो गाइस आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में लगभग आपको सारे टॉय दिखा चुका हूँ, बट गाइस लास्ट में 2-3 टॉय ये और दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे हमारे पास है 10 रुपीज वाली कुछ इस तरह की इरेजर, जो कि रॉकेट वाले डिजाइन में आती है। इसका डिजाइन आप देख सकते हैं, है ना। और इसके बाद गाइज ये देखो, एक हमारे पास कुछ इस तरह का सेट है जिसके अंदर हमें 4 स्माइली देखने को मिलती है। ये भी 10 रुपीज का पाउच है, इसके अंदर हमें 4 कुछ इस तरह की इरेजर देखने मिलती है। और लास्ट में गाइज ये देखो, लास्ट में हमारे पास है कुछ इस तरह की इरेजर। ये देखो एक अंडा है जिसके अंदर से छोटा सा बेबी बाहर आने वाला है। ये देखो है ना कितनी औसम चीज, 10 रुपीज इसका भी प्राइस है। और गाइज आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको बहुत डिफरेंट टाइप के आइटम दिखाए हैं, जो कि काफी ज्यादा मजेदार थे। अगर आपको इतने सारे टॉय में से एक भी टॉय चाहिए उसका नाम आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो में लगातार आपके लिए बनाता रहता हूँ। सो मिलते हैं वीडियो में अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक ले थैंक यू एंड बाय बाय गाइज।